नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किए गए ट्वीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अरुण यादव का ट्वीट कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। इससे शर्मनाक और दर्दनाक बात नहीं हो सकती। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 15 महीने में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से हफ्ता और महीना आता था वह बंद हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्याय की लड़ाई लड़ी है। वहीं उन्होंने 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर कहा कि भोपाल में बढ़ रहे संक्रमण के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। हमारी अपेक्षा है कि भोपाल की आम जनता, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति सहयोग करे। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने विवादित ट्वीट करा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। ये ट्वीट कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। इससे शर्मनाक और दर्दनाक कोई बात नहीं हो सकती कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस तरह के ट्वीट करते हैं। और इसका कारण केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 15 महीने में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से हफ्ता और महीना आता था वो बंद हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने न्याय की लड़ाई लड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को उसका असली चेहरा दिखाया है। अरुण यादव जी ये भूल गए कि उन्होंने और कांग्रेस के नेताओं ने 15 महीने में इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरुण यादव जी ये भूल गए कि आप किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए, इसलिए सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी। अरुण यादव जी ये भूल गए कि आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, इसलिए सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी। सिंधिया जी ने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि जनता के हित और कल्याण के लिए कांग्रेस छोड़ी। ये ट्वीट केवल आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि शर्मनाक भी है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह का शर्मनाक राजनीति करने का स्थान किसी को नहीं मिला है। अरुण यादव जी को चाहिए कि वो जनता के बीच आए और सार्वजनिक रूप से इस ट्वीट के बारे में माफी मांगे। आज से भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है। भोपाल में बढ़ रहे संक्रमण के कारण ये निर्णय सरकार ने लिया है। भोपाल का आम जन, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति इस लॉकडाउन में सहयोग करे, ये हमारी अपेक्षा है। सभी से बातचीत करके ये कदम उठाया गया है और इस लॉकडाउन का सार्थक रिजल्ट निकल सके, इसकी भी हमने पूरी प्लानिंग की है। इसको लेकर मैं कल भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठा था, आज भी मैंने निर्णय लिए हैं और हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को हराएंगे, ये हमारा संकल्प है। भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन में जनता को परेशानी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश हम कर रहे हैं। रोज उपयोग में आने वाली वस्तुएं, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसके साथ साथ सरकारी राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। ये लॉकडाउन हम सब के अनुशासन और संयम से सफल होगा, और हम सब अनुशासन और संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम भोपाल में फैल रहे संक्रमण को रोक पाएंगे। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर इस लॉकडाउन में कोरोना के हराने के संकल्प के साथ सरकार की पूरी एडवाइजरी, सरकार के सुझावों का हम अक्षरशः पालन करें। सर, हम बीजेपी में जा रहे हैं, उनके लिए एक शर्मनाक टिप्पणी की है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले हैं। देखिए, कौन भूत है और किसको लात पड़ने वाली है ये तो जनता बताएगी। कांग्रेस के नेता इस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति को बिलो द बेल्ट ना लेके जाएं। मध्य प्रदेश में शुचिता की और संस्कार की राजनीति चलती आई है, पर ये वो नेता जो पप्पू के पट्टे हैं वो कहाँ से जानेंगे कि संस्कार क्या होते हैं। ना उनके नेता को संस्कार मालूम है, ना उनके गुर्गों को संस्कार मालूम है। इस तरह की टिप्पणी करना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में शर्मनाक है।
खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।